नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पूर्व मध्य रेल के टोली जंक्शन पर पदस्थापित RPF निरीक्षक प्रभारी दीपक कुमार के निर्देशन में निकली टीम ने दो लोगों को रेल की मालगाड़ी से कोयला उतारते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। टोली निरीक्षक प्रभारी के निर्देशन और उप निरीक्षक मणिकांत कुमार तथा अजीत कुमार के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक रामकृष्ण राम, आरक्षी लोकेश कुमार, कुंदन कुमार राम और राजेंद्र कुमार तिवारी की गश्ती टीम ने रात्रि गश्त करते हुए बीरा टोली कोल साइडिंग पहुंची। इसी समय एक कोयला नदी एक मालगाड़ी स्टेशन पर आकर रुकी। रेल की मालगाड़ी से कोयला चोरी की सूचना पर वहां पहुंची रेलवे सुरक्षा बलों की टीम आसपास की झाड़ियों में छिप गई। इस दौरान एक डिब्बे पर टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। दबे पांव रिसुब मालगाड़ी के नजदीक पहुंचे तो पाया कि एक व्यक्ति डब्बे के ऊपर चढ़कर कोयला गिरा रहा है और एक दूसरा व्यक्ति उस कोयले को नीचे बोरे में समेट रहा है। रिसुब ने घेराबंदी और धावा बोलकर उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान एक ने अपना नाम मुनेश्वर लोहरा, पिता स्वर्गीय जालू लोहरा नवाटोली चकला और राजू लोहरा पिता बखोरी लोहरा बारा बालूमाथ बताया। रेलगाड़ी से कोयला गिराने की बाबत पूछे जाने पर उन लोगों ने ना तो कोई संतोषजनक जवाब दिया और ना ही कोई वैध प्रमाण पत्र दिखाया। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।